हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है फ्राइडे, सबको आप सब लोगों को मेरी तरफ से सबसे पहले तो जुमा मुबारक। और जुम्मे का आगाज़ मैं कर रही हूँ जी बच्चों को अल्लाह हाफिज़ कह के, बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे। उसके बाद है जी लॉन्ग डे मेरे लिए, जो कि आपको पता है कि क्लिनिंग डे है और फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं। लाइक फ्राइडे को मैंने अपने लिए ना बहुत ज़्यादा चीज़ें, वो कहते हैं ना बंडल्स बनाए हुए हैं जो मैंने करना होता है। उसमें आपको पता है कि एक स्पेशल ब्रेकफास्ट भी मैं बनाती हूँ, कोई भी स्पेशल लाइक ऐसा स्पेशल तो नहीं है कि जैसे पूरियां चने बना रही हूँ या उस तरह की चीज़ें, लेकिन काफ़ी काम होता है। लाइक पराठा हमारे घर में नॉर्मली नहीं खाया जाता, लेकिन मैं फ्राइडे को ज़रूर बनाती हूँ। बेशक मैं खाऊं या नवीद खाएं या हम दोनों आधा आधा खाएं, लेकिन हम लोग खाते ज़रूर हैं। उसके बाद ये होता है कि मैंने घर की भी डीप क्लिनिंग करनी होती है। उसके बाद ये होता है कि मैंने ख़ुद भी नमाज़ के टाइम से पहले आप लोग शॉवर लेके तैयार हो जाएं, ताकि आप लोगों की नमाज़ की तैयारी कंप्लीट हो जाए। फिर साथ में आपको फ्राइडे को कुछ ना कुछ स्पेशल भी बनाना होता है। तो मुझे कभी कभी अपनी एक रूटीन में ना मुझे कभी कभी गड़बड़ नज़र आती है कि मुझे चाहिए कि मैं फ्राइडे वाले दिन बाहर से खाना खाया करूँ, ताकि मुझे फ्राइडे को कुकिंग ना करनी पड़े। लेकिन अगर हम फ्राइडे को बाहर से खा लेते ना, तो सैटरडे को मुझे कुकिंग करना अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए हम लोगों हमेशा सैटरडे का दिन रखा बाहर से खाना खाने के लिए, ताकि हम लोग सारे फ्री भी हों और उस दिन को हम इंजॉय भी कर सकें। पूरा दिन लेज़ी होता है, फिर बाहर से खाना खा के हम सुकून कर लेते हैं। तो बस ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको पता है कि फ्राइडेज़ को मेरी परमानेंटली होती हैं। तो आपको अब तो मेरे रूटीन का भी पता चल गया होगा, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, एक साल से ज़्यादा होने वाला है और आपको पता होगा कि फ्राइडेज़ एंड मंडेज़ वैसे जो होते हैं ना, वो इससे कम होते हैं बिज़ी मेरे। फ्राइडे मेरा ज़्यादा बिज़ी होता है, क्योंकि फ्राइडे की नमाज़ की वजह से स्पेशल तैयारी भी होती है ना, और इसलिए थोड़ा फ्राइडे ज़्यादा बिजियर होता है। और आपके पास टाइम लिमिट होती है कि आपने इस टाइम में ये सारे काम करने हैं। मंडे को ये होता है कि अगर आपके टाइम पे काम ख़त्म नहीं भी हो रहे, तो भी आप थोड़ा अपने काम को लिंगर ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि फ्राइडे एंड सैटरडे दोनों ही बिजी हैं, फ्राइडे टाइम के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बिजियर होता है। तो बस आज मैंने नवीद से पूछा कि आप क्या नाश्ता करें, तो कहते हैं तुम क्या करने लगी हो, तो मैंने कहा सोच रही हूँ कि पराठा बनाती हूँ। तो कहते हैं चलो फिर यूँ करो, पराठा बना लो, फिर आधा मैं खा लूँगा आधा तुम खा लेना। मैंने कहा चले ठीक है, ऐसे सही है, क्योंकि पूरा पराठा मुझसे खाया नहीं जाता। अगर नवीद नहीं खाए तो मैं बहुत छोटा पराठा बनाती हूँ, इतना छोटा कि जिसका आटे का साइज़ अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएँ, क्योंकि मैं पराठा बनाती भी पतले वाला हूँ, इसमें लेयर्स होती हैं, लेकिन ये पतला होता है ताकि इसमें क्रिस्पीपन आए। तो एक पराठा बनाऊँगी, साथ में देखती हूँ साथ में क्या देने जा रही हूँ ख़ुद को और नवीद को, क्योंकि नवीद खाते हैं सालन शौक से, मुझे अच्छे लगते हैं अंडे। तो हम लोगों ने क्या किया जी, मिक्सअप क्या कर दिया मैंने, ये देखें एक पराठा बनाया, साथ में मैंने बनाई थी कल परसों बनाई थी मैंने कीमा गोभी बनाई थी। मेरे पास गोभी पड़ी हुई थी तो मैंने वो कीमे में डाल दी थी, तो कीमा गोभी मैंने बना लिया था, तो वो बनाया है साथ में। एग्स के बगैर तो मेरा नाश्ता होता ही नहीं है। तो मैंने नवीद से बोला आप खाएंगे, कहते हैं हाँ मैं भी खा लूँगा, तो मैंने दो बना लिए एग्स, जो साथ रख दी थोड़ा सा कीमा गोभी और एक पराठा। और आपको ये पराठा यही दिखाना चाह रही हूँ कि इतना क्रिस्पी और पतले वाला है, इसमें बिल्कुल भी आपको हैवी वो फीलिंग नहीं आती है। वो अलग बात है कि पराठा तो पराठा होता है, तो जब आप खाते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि रोज़ रोज़ नहीं खा सकते, वरना आपका वेट गेन हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज़ अगर किसी को वेट का इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पराठा कोई इंसान, मैं तो रोज़ भी खा सकती हूँ। लाइक ये पराठा पराठा नहीं है, ये बिल्कुल आपको रोटी वाली फीलिंग देता है, लेकिन जायका इसका पराठे वाला होता है। नाश्ता किया है जी, नाश्ते से फ्री हो गई और अब कामों पे स्टार्ट हो गई। नवीद बैठ के, आज का दिन ये होता है कि फ्राइडे को नवीद की क्लासेस नहीं होती हैं ज़्यादा, तो नवीद अक्सर पाकिस्तान हमारे घर यानी ससुराल वगैरह में फ़ोन कर लेते हैं। तो जब हमारी ज़्यादा जो बातचीत होती है वो फ्राइडेज़ को होती है, मेरी तो अपनी अम्मी से रोज़ ही बात होती है ऑलमोस्ट, आजकल थोड़ी कम हो रही है क्योंकि अम्मी भाई के बाद जब जाती हैं फैसलाबाद में, तो फिर अम्मी थोड़ी बिज़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर अम्मी होती हैं चिन्योट में, जहाँ पर हमारा अपना घर है भाई घर, तो फिर अम्मी से मेरी रोज़ ही बात हो जाती है। क्योंकि फैसलाबाद में तो ये है ना कि भाई हैं, भाई की पूरी फैमिली, माशाल्लाह लोगों का आना जाना, और वहाँ पर एक वो रौनक सी लगी रहती है, तो अम्मी बिज़ी रहती हैं। लेकिन जब अम्मी चिन्योट में होती है, तो अम्मी घर में बिल्कुल अकेली होती हैं, सिर्फ काम वाले होते हैं घर में और अम्मी, तो फिर अम्मी मेरे से एवरीडे बात करती हैं। तो मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ कि जब अम्मी बिज़ी होती हैं तो मैं मम्मी को तंग नहीं करती, लेकिन एक या दो दिन का गैप से ज़्यादा हम लोग गैप नहीं देते हैं। जिस तरह अभी आज हमें दूसरा दिन है, हमने बात नहीं की, तो कल इंशाल्लाह ताला या अम्मी की कॉल आ जाएगी या मैं कॉल करूँगी। वैसे 100% में से 99% तो मेरी अम्मी ही कॉल करती है, क्योंकि मेरे जो फ्री हो के कॉल करने के टाइम से पहले ही अम्मी फ्री हो जाती है और अम्मी का कॉल आ जाता है। तो अभी साथ में मैं बर्तनों के
की सफाई तो कर ही रही हूँ, साथ में मैंने वो पाकिस्तान की बात हो रही है तो भांजे से, तो वो उसमें भी साथ भी पार्टिसिपेट करना होता है। तो मैं वही नवी से कही थी कि लोग देखने वाले कहेंगे कि इसको क्या हो गया, खुद ब खुद ही अपने थोड़ी देर में बातें कर लेती है, थोड़ी देर में हंस लेती है। लेकिन ये यकीन करें मैं अपने आप में नहीं हंस रही, मैं उन लोगों से बातें कर रही थी साथ साथ और उनकी बातें सुन भी रही हूँ और मज़ा भी आ रहा था। क्योंकि वो जो मेरा भांजा है ये लाहौर में होता है और मेरा ससुराल जो है वो चिन्नौर में है, तो जब उससे बात होती है तो उससे सारी इधर लाहौर की भी खबरें मिलती हैं और चिन्नौर की भी खबरें मिलती हैं। तो ये बर्तन मैंने आपको भी क्यों दिखाया, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि गुल आप अपने बर्तनों को किस चीज़ से क्लीन करती हैं कि आपके बर्तन इतने चमकते रहते हैं, शाइन करते हैं। तो जनाब मैं इसको किसी भी स्पेशल चीज़ से कोई क्लीन नहीं करती हूँ, मैं सिंपल जो हमारे पास जो होता है डिश सोप है उससे साफ़ करती हूँ। लेकिन डिश सोप से भी साफ़ तभी होते हैं अगर आप बर्तनों को रात में अगर आपने धोया, या तो उसी वक्त धो दें जिस वक्त आपने उसमें खाना बनाया, तो वो उसमें चीज़ें चिपकती नहीं है, ख़राब नहीं होती, तो बर्तन गंदा नहीं होता। और अगर आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा बर्तन धोने में, उतनी देर में आप बर्तन को भगो के रख दें पानी से, उसे पानी से फिल कर दें ताकि आपके जो बर्तन में अगर कुछ खाना वगैरह लगा हुआ है या कोई चीज़ है तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें कि बिल्कुल भी बर्तन गंदे होते ही नहीं हैं, इतने चमकते हैं, सालों के साल हो जाते हैं मुझे ये बर्तन यूज़ करते हुए, उनकी शाइन उनकी चमक जो है वो बिल्कुल वैसी ही रहती है। तो बस ना आप गप्पे लगाते मज़ा करते फ़न करते करते मेरी बातें भी हो रही हैं और साथ काम भी हो रहे हैं। एक्चुअली फ्राइडे को नॉर्मली ऐसा होता है जब हम कभी वीकेंड पे बात करें तो हम लोग एक ही जगह पे बैठ के बात करते हैं, लेकिन सबको पता होता है कि फ्राइडे वाले दिन तो गुल को कोई बुलाए भी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा अपने काम और अपने टाइम के मामले में बड़ी टची हो जाती हूँ, मैं कहती नहीं नहीं पहले मुझे काम करने, तो काम करने के बाद जो भी काम करना है, बात करनी है, बाहर जाना है, खाना पीना है, वो करेंगे, लेकिन मेरे काम के दौरान मुझे तंग नहीं करो। तो मुझे कभी कभी नवीद छेड़ते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैंने अपनी बेगम को तंग करना होता ना तो बस उसको ये कह दूँ ना कि आज फ्राइडे है तुम इधर आ जाओ बैठो, एक ये काम कर लेना, उसके बाद तुम अपनी सफाइयों पे लगना, तो इसका मूड ख़राब हो जाता है। कहती नहीं पहले मुझे मेरे काम करने दें, उसके बाद मैं आपके साथ कोई काम भी कर लूँगी। तो मुझे ये होता है कि अगर उनको कोई हेल्प चाहिए किसी काम में, कोई कमरे को इन्होंने अरेंज करना है, या इनको ये है कि चाय पी रहा हूँ तो मुझे कंपनी दे दे, वैसे चाय और नाश्ते या खाने के टाइम पर तो मैं हमेशा इनको कंपनी देती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं इनको खाना या चाय दे के वहाँ से हट जाऊँ, मैं हमेशा इनके साथ बैठती हूँ, क्योंकि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इनको खाना दो और खाना दे के वहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। तो मुझे इनकी, मैं हमेशा इनके पास बैठती हूँ, कंपनी देती हूँ। लेकिन इस तरह आज भी मैंने चाय इनको दी है, साथ साथ ये फ़ोन पे गप्पे शप्पे लगा रहे थे, साथ साथ मैं भी बातें कर रही थी, तो पार्टिसिपेशन मेरी पूरी है, 100% है, बस वहाँ पर बैठी नहीं, उनको नज़र नहीं आ रही, उनको मेरी आवाज़ें आ भी नहीं है और वो मुझे जवाब भी दे रहे हैं। तो बस जनाब बर्तनों से मैं हो गई थी फ्री, बर्तन फ्री साफ़ करने के बाद अब मैंने कहा स्टोव की टॉप साफ़ करती हूँ। इसके बाद आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है स्टोव की, अभी आपको दिखाऊंगी कैसे करती हूँ, बड़े अरसे बात करती हूँ उसको, मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है उसकी क्लीनिंग किए हुए, ऐसा नहीं होता कि मैं रोज़ रोज़ उसको क्लीन करती हूँ, महीनों के बाद मैं उसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि जो चीज़ आपको नज़र नहीं आती समटाइम्स वो चीज़ आपके जहन से निकल जाती है। लेकिन वही वाली बात कि कभी कभी जब याद आ जाती है कपल ऑफ मंथ्स के बाद तो मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ, क्लीन करने के बाद जो अच्छी फीलिंग आती है ना वो तो आप मुझसे पूछे ही नहीं, कितनी मज़े की फीलिंग आती है। तो जनाब क्लीनिंग मैंने आज सुबह ही सुबह डन कर ली थी, अभी तकरीबन 9:30 बजे का टाइम शायद हुआ है, आई थिंक 9:30 बजे, 9:30 बजे का टाइम है, और आप देखें मैंने किचन के सारे काम डन कर लिए हैं और इसमें मुझे टाइम भी नहीं लगा। और ये जो सारा एक आप मुझे हमेशा पूछते हैं कि गुल आप ये एक ही क्लीनर यूज़ करती हैं, तो जनाब मैं ये ऑल पर्पज़ क्लीनर है, तो मैं ये हर जगह पर यूज़ करती हूँ, मेरी मुझे ये इतना अच्छा लगता है, इसकी खुशबू भी मुझे अच्छी लगती है, इसका जो इफेक्ट है वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो ये देख लें, अभी मैं आज आपको ये वाला अपना जो एरिया है मैंने कभी आपको दिखाया नहीं जब मैं क्लीनिंग करती हूँ, तो मैंने कैसे आपको दिखा दूँ कि मैं अपने जो मेरी चीज़ें हैं जिस तरह किचन एड है या मेरा इंस्टेंट पॉट है या माइक्रोवेव है, तो इसको भी मैं इसी क्लीनर के साथ मैं हमेशा क्लीन करती हूँ। तो ये बस एक क्लीनर ले लें तो आप बहुत अच्छे से अपने किचन को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप लोगों ने क्लीनर्स की जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ अगर वो आपने वीडियो देखनी है, तो मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी अपने चैनल पर, उसका लिंक मैं छोड़ दूँगी अपनी वीडियो एंड पे, अब जाके क्लिक करके देखिएगा कि मैं कौन कौन से क्लीनर्स यूज़ करती हूँ घर में, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मुझे बड़ा वहम होता है और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदती हूँ, एक एक चीज़ में हर तरह की चीज़ मैं खरीदती हूँ। मुझे ये होता है कि जब घर आप साफ़ करें ना तो आपका घर ऐसा लगे कि जैसे घर में किसी क्लीनिंग लेडी को बुलाया है, क्योंकि जब वो आते हैं ना तो आपके घर का कोना कोना साफ़ करते हैं। मैं कहती हूँ, मैं लास्ट टाइम भी शायद एक दफ़ा मैंने आपसे शेयर कर रही थी कि जब क्लीनिंग लेडीज़ आती हैं तो वो आपके घर को बहुत साफ़ करके जाती हैं, ऐसे लाइक छोटे छोटे कॉर्नर्स तक को वो क्लीन करती हैं। तो जब हम खुद घर में क्लीनिंग करते हैं तो कभी कभी हम कुछ जगहों को छोड़ देते हैं, तो मेरी आदत है, इसलिए मैंने फ्राइडे को अपने आप को ये बताया हुआ होता है कि मुझे आज वो सारे को
कोने कुदरे सब साफ़ करने हैं, जो मैं वीक में नहीं करती हूँ, क्योंकि एवरी डे आपके पास ना इतना टाइम होता है ना अपनी हिम्मत होती है, क्योंकि बच्चे हैं, घर है, फैमिली है, उसके साथ ये चीज़ें आप रोज़ रोज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक दिन बना लें और वो कोने खुदरे या वो जगह जहाँ पर आप रोज़ रोज़ नहीं क्लिनिंग करते वो आप क्लिनिंग कर लें। तो ये देखें जनाब, ये इसकी मैं बात कर रही थी, मैंने आज अपने किचन की जो डीप क्लिनिंग करनी थी वो अपने स्टोव के पीछे की करनी थी, और ये देखें कितना मैस है, कितना गंदा हुआ हुआ है। ये जो साइड पे सारा वाइट नज़र आ रहा है, ये आटा है, आटे के, क्योंकि मैं रोटियाँ साइड पे बनाती हूँ, स्टोव के पीछे भी गंद हो जाता है और स्टोव की बैक साइड पे भी सारा इतना मैस बन जाता है। और जब मैंने देखा तो मेरा दिल ख़राब हुआ। पहले सोचा आपको नहीं दिखाती कि आप कहेंगे कि गुल इतना गंद बना के रखा हुआ था कि आपको पता ही नहीं चला इतना गंद है, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं आपसे कोई चीज़ छुपानी नहीं है, मैं जैसी हूँ मैं आपको वैसे ही आपको सब चीज़ें दिखाती हूँ। मैं अपनी ऑनेस्टी आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि आपको ये दिखाऊं कि जो मैं इतना घर को क्लीन रखती हूँ, चीज़ों को क्लीन रखती हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मुझे कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, और वो इग्नोर इसलिए हो रही होती है क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रही होती। अभी किस दिन फ्रिज के पीछे की भी क्लीनिंग करेंगी, वो भी बड़ी दिनों से ड्यू है, वो मैंने नहीं की है। तो ये वाला जो स्टोव है इसके पीछे जगह इतनी तंग होती है, या तो आप इसको प्लग ऑफ कर दें, तो वो मैं नहीं करती हूँ, प्लग इन ही मैंने किया हुआ, तो बस मैं इतनी जगह बना लेती हूँ कि मैं फंस के अंदर बैठ जाऊँ और वहाँ से अच्छे से क्लीनिंग कर दूँ। तो ये जो क्लीनिंग है ना, इसके आपको ये एक जो फील आता है ना कि आपने सब कुछ साफ कर दिया है, वो बड़ा अच्छा होता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने एक ब्रश लिया और ब्रश के साथ मैंने जो सारा वो आटा और वो छोटी छोटी जो गार्बेज की चीज़ें इकट्ठी हो जाती मैंने वो क्लीन की हैं। अब मैंने ले ली हैं वाइप्स, और वाइप्स के साथ मैं पूरी इसकी वॉल्स इधर भी उधर भी और जो उसका स्विच बोर्ड है वो भी सारी जगहों को मैं अच्छे से कर दूंगी क्लीन। उसके बाद जो मेरा क्लीनर, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट क्लीनर है, वो मैं इस पर स्प्रे करूंगी और साथ उसके ऊपर फिर से वाइप्स करूंगी। और आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि गुल आप कौन से वाइप्स यूज़ करती हैं, तो मैं आज आपको बता दूं कि मैं जो भी सेल पे मुझे वाइप्स मिलते हैं मैं वो यूज़ करती हूँ। अभी तो मैं किकलैंड के यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मली अगर मुझे कोई भी ब्रांड के सेल पे नज़र आते हैं तो उठा लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे तो छोटे ऐसे हैं नहीं कि जिनके लिए मुझे यूज़ करने होते हैं, मुझे तो घर के हर काम के लिए यूज़ करने होते हैं, वॉशरूम, किचन, गाड़ियाँ, स्टोर रूम, एनी वेयर, मैं हर जगह पर मेरे पास क्लीनिंग वाइप्स होते हैं। तो बस जनाब ये क्लीनिंग वाइप्स मैंने क्लीन कर दिया। अभी आप देखिएगा कि कितनी मुश्किल से मैं इसको अंदर करूँगी, ये बिल्कुल ऐसे ही होती है ना जगह जैसे बिल्कुल फिट आता है आपका स्टोव, इसको मैं अंदर कर दूँगी और उसके बाद ऊपर से स्टोव की दोबारा से क्लीनिंग कर दूंगी और मेरी क्लीनिंग हो जाएगी आज की ये वाली डन। डीप क्लीनिंग जो किचन की उम्मीद करती हूँ कि ये आपको व्लॉग अच्छा लगेगा, आपने इसको इंजॉय किया होगा, क्योंकि इस तरह के क्लीनिंग व्लॉग्स जो हैं वो आपको बड़ी मोटिवेशन देते हैं कि आप अपने घर को भी क्लीन करना शुरू कर देते हैं। तो चलें जनाब मैं लेती हूँ अभी आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।